रहे हैं, साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी फिल्म आई है आप भी उसका प्रमोशन कर दीजिएगा। अभी एक पारिवारिक फिल्म मेरी रिलीज हुई, वो है तोता मैना, आप भी उसको देख लीजिएगा। इसके पहले रिलीज हुई थी बोलो गर्व से, और हमारे बहुत अच्छे थाना प्रभारी हैं, क्योंकि हम लोग जिला शांति समिति में सदस्य भी हैं, काफी उनसे मुलाकात होती रहती है, बहुत सज्जन लोग हैं। और प्रशासन जिला से निर्देश मिला है कि प्रशासन कहीं से भी मतलब कमजोर न पड़े, इसलिए वो अपना कि हर साल कुछ न कुछ अलग रूप से इस जुलूस में अपना प्रदर्शन किया जाता है, दिखाते हैं लोग। इसके लिए आपको भी, आपके मीडिया को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर इसको कवरेज करके और पूरे दुनिया को आप दिखाते हैं। तो ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को देखें और इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद दुलार मेरे छोटे भाई को दें। यहाँ पे जो है एक अलग ही अंदाज में अलग अलग लोग मिले देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सुजीत कुमार शर्मा और बुलेट शर्मा शिवान गरुआ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, सर ये जो है कि ये बिहार में देख सकते हैं एक अलग ही प्रकार का जो ये जो भव्य विशाल जुलूस का जो आयोजन किया गया है, सर ये आपको देखने को में कैसा लग रहा है? सर देखिए पूरे बिहार का ऐतिहासिक जुलूस होता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, और नरहन जो गांव है वैसे भी आदर्श गांव से जाना जाता है, और सिवान के लिए गौरव की बात है। और ये सौभाग्य से रघुनाथपुर विधानसभा से हम लोग भी आते हैं, और मेरे विधानसभा में ऐतिहासिक जुलूस निकलता है, काफी दूर दूर से महिलाएं बच्चे नौजवान साथी आते हैं, और इस मेला का यही खूबसूरती है, इसका आनंद लेते हैं। और इसका क्या तारीफ करें, आप तो देखते हैं यहाँ पे कला का जो प्रदर्शन होता है वाकई इस तरह का कहीं आपको देखने का नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परिचय किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, और देख सकते हैं जो विश्व लेवल पे जो ये भव्य विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है, जितने तक यहाँ पे लाखों की संख्या में जो भी दर्शक है उसमें आप देखिए, मेरा घर हुआ हरियाणा, और देखिए ये कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो जो कला से जुड़ा है वही इस चीज को समझ सकते हैं, और काफी मेहनत से इसको किया जाता है। और नरहन के लोगों को और यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानित जनता है, मैं अपने तरफ से और पूरे इंडस्ट्री की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर साल कुछ न कुछ अलग रूप से इस जुलूस में अपना प्रदर्शन किया जाता है, दिखाते हैं लोग। इसके लिए आपको भी, आपके मीडिया को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आकर इसको कवरेज करके और पूरे दुनिया को आप दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो विशाल जो भव्य विशाल जुलूस का जो आयोजन किया गया है, इसमें हजारों के लाखों की संख्या के तादाद में यहाँ पे अनेकों प्रकार के लोग हैं उपस्थित है, राजनीतिक तौर पे देखे या प्रशासनिक तौर पे देखे। देखिए प्रशासन अपना बेखूबी काम कर रहा है, और हमारे बहुत अच्छे थाना प्रभारी हैं, क्योंकि हम लोग जिला शांति समिति में सदस्य भी हैं, काफी उनसे मुलाकात होती रहती है, बहुत सज्जन लोग हैं। और प्रशासन जिला से निर्देश मिला है कि प्रशासन कहीं से भी मतलब कमजोर न पड़े, इसलिए वो अपना ड्यूटी बढ़िया से निभा रहे हैं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी फिल्म आई है आप भी उसका प्रमोशन कर दीजिएगा। अभी एक पारिवारिक फिल्म मेरी रिलीज हुई, वो है तोता मैना, आप भी उसको देख लीजिएगा। इसके पहले रिलीज हुई थी बोलो गर्व से वंदे मातरम, दोनों फिल्म देख लीजिएगा और अपना आशीर्वाद दुलार देते रहिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो एक जाने माने कलाकार यहाँ पे उपस्थित थे, इनका जो एक फिल्म आ रहा है, इसका क्या नाम है? तोता मैना। आप लोग जरूर देख के, रिलीज कब होगा? रिलीज हो चुका है, हॉल में भी खेल चुका है। आप एक बार जरूर देखे तोता मैना, क्योंकि ये सिवान के बुलेट बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बुलेट शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, जाने माने एक कलाकार है। इनका फिल्म जरूर देखे एक बार आप, ये खुद आके नरहन में जो भव्य विशाल जुलूस का जो आयोजन किया जाता है वो खुद आके यहाँ पे उपस्थित है और लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे साथ सिर्फ न्यूज वाला 24 में। तो सर हमारे चैनल में लाइव वाले का धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को देखें और इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद दुलार मेरे छोटे भाई को दें। सर आप एक और बात बता दीजिए, क्योंकि ये लाखों के तादाद में सब भीड़ है, ठीक है, तो सर क्या अगले आने वाले दिनों में क्या इससे कुछ अलग हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, नरहन का यही खूबसूरती है, बिल्कुल हर साल कुछ न कुछ अलग होता है, आगे इससे भी दो गुना भीड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भीड़ है उसको आप देखिए, तगाम में जो भीड़ यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि जुलूस कितना दिन से आ रहा है? जुलूस 50-60 वर्ष हो गए, देखे में कैसा लगा था? बहुत अद्भुत लगे।